मेरा नाम खुशी है, हरियाणा हिसार। ये खुशी के एक दूसरा भी शिफ्ट है, इन्होंने वन ईयर की फीस सबमिट करी है। माय नेम इज हार्दिक, आई एम फ्रॉम हिसार हरियाणा। और देखिए आपकी फीस की रिसिप्ट है। हेलो एवरीवन, दिस इज विपुल भारद्वाज, फाउंडर ऑफ एजुकेशन ऑर्बिट यूएसएल इंडिया। आज हमारे साथ है खुशी पारेख फ्रॉम हरियाणा हिसार। हाँ। इनका भाई भी आया था यहाँ पे इनको छोड़ने के लिए, बट वो भी जा चुका है ना। तो खुशी थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन, जो भी कंपनी की तरफ से कमिटमेंट थे वो सारा थोड़ा बताइए। मेरा नाम खुशी है, हरियाणा हिसार। तो मैं इनसे पहली बार मतलब फाफा का इंट्रोडक्शन हुआ था, और उसके बाद मेरे को थोड़ा कन्विंसिंग लगा सब कुछ, तो उसके बाद फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि हाँ जाना चाहिए। और खुशी, जो भी कमिटमेंट दिए थे आपके सारे फुलफिल हुए? हाँ। आप दिल्ली से यहाँ पे आए तो किसी भी चीज का आपको कुछ इशू लगा? नहीं। हॉस्टल नंबर 3 का कमिटमेंट था? हाँ। आपको मिला? हाँ, मिला। हॉस्टल में आपको खाना पानी सब कुछ मिला? काफी हेल्प करी हमारी टीम में, काफी हेल्प करी आपकी? नहीं करी, बिल्कुल हेल्प करी है ना। कोई कंप्लेंट कंपनी के लिए? नहीं कोई कंप्लेंट। खुशी के दूसरा भी शिफ्ट है, इन्होंने वन ईयर की फीस सबमिट करी है ना। ये बेसिकली रिसिप्ट दिखाने का मेन मोटिव ये है कि बच्चों का राइट है, जो कि यहाँ पे तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और इमानुल्लाह मल्टी फेडरल यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे दोनों ही कॉलेज हैं, दूसरी कंपनियों ने बच्चों से छीने रखी है, इनके ऊपर बच्चों का राइट है। इसका रीजन क्या है? कुछ ये तो पहले हम इतने पकड़ो, इसका रीजन खाली ये है कि जो दूसरी कंपनीज हैं वो फीसों में मैनिपुलेशन करती हैं, कोई 8% बढ़ाते हैं, कोई 10% बढ़ाते हैं, कोई 12% फीस बढ़ाती है। तो ये है ना, पेरेंट्स बच्चे क्या करते हैं बेसिकली, हम यूट्यूब पे रिसर्च करते हैं ना, जिस भी कंपनी का हम देखते हैं वीडियो, इस पे 10,000-20,000-50,000 व्यूज हैं, तो ये सबसे अच्छा है ना। फोटो सारे जितने भी व्यूज हैं मोस्टली सारे पेड व्यूज होते हैं, फेक व्यूज होते हैं, है ना। सो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमें यूट्यूब से नॉलेज नहीं लेनी है, आपको ब्रीफ का थोड़ा सा करना पड़ेगा, आपको एक डिस्क्राइब वे में जाना पड़ेगा। आप जिस भी कंपनी से बात करते हो उनसे ये पूछो कि बच्चे को कॉलेज की रिसिप्ट मिलेगी, बच्चों को हॉस्टल की रिसिप्ट मिलेगी, मेडिकल इंश्योरेंस की रिसिप्ट मिलेगी। अब इन बच्चों के पास सारी अथॉरिटी अपनी सेकेंड ईयर से खुद से फीस सबमिट करने की। अब जिस भी कंपनी से बात करते हो उनसे पूछो ना कि हमारा बच्चा है, हम लोग डायरेक्ट फीस सबमिट करना चाहेंगे। अब वो बोलेंगे अगर कि हम करवा सकते हैं, तो उनसे बोलो कि पास्ट में और भी बच्चे गएंगे आपके जो खुद से भी फीस सबमिशन करते होंगे, है ना, उनसे रिसिप्ट का रिकॉर्ड ले लो, आप लोगों को खुद पता लग जाएगा कौन कितना पानी में है। बाकी खुशी कुछ कंप्लेंट? नो सर। हरियाणा हिसार से बच्चे आ सकते हैं हमारे पास? बिल्कुल। रिकमेंडेशन है? हाँ है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज विपुल भारद्वाज, फाउंडर ऑफ एजुकेशन ऑर्बिट यूनिवर्सिटी इंडिया। आज हम खड़े हैं तवेर स्टेट मेडिकल इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी के सामने। हमारे साथ हैं हार्दिक, हरियाणा किसान सिंह। हाँ, इन्होंने तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। हार्दिक, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो कि जो भी कमिटमेंट सारी चीजें थी आपके साथ कम्प्लीट हुई नहीं हुई, अपना इंट्रोडक्शन दे दो थोड़ा सा। माय नेम इज हार्दिक, आई एम फ्रॉम हिसार हरियाणा। मैंने एडमिशन लिया है तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जो मॉस्को से 180 किलोमीटर दूर है। यहाँ का माहौल भी बिल्कुल बढ़िया है, पर यहाँ ठंडे बहुत ज्यादा है। जैकेट वगैरह वो तो ले ली है, बट अंदर ठंडी लगती है। यहाँ सिक्योरिटी वगैरह हॉस्टल में बिल्कुल बढ़िया है, रूम वगैरह में सब कुछ बढ़िया है माहौल। अच्छा, जो कमिटमेंट लिए थे पूरे हुए? हाँ बिल्कुल सर, कोई भी नहीं, कोई लगा कोई भी फ्रॉड हुआ आपके पास, स्कैम हुआ हो, कोई भी दिक्कत नहीं? अच्छी सारी जो बताई सब कुछ आपको मिली है। हार्दिक, मैं आपको आपकी ट्यूशन फीस की रिसिप्ट दे रहा हूँ, ये आप देख लीजिए ट्यूशन फीस की रिसिप्ट कैसे होती है। देखिए आपकी फीस की रिसिप्ट है। फीस रिसिप्ट देने का मेन रीजन ये है, दिखाने का मेन रीजन ये है कि 99% एजेंट जो भी तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम करते हैं उनके स्टूडेंट के पास कभी उनकी फीस रिसिप्ट गई नहीं है। रीजन बीइंग फीसों में मैनिपुलेशन है, कोई 8% बढ़ा रहा है, कोई TDS के नाम के लेता है ना, कोई फीसों पर पेनल्टी लगा रहा है, तो वो चीजें है ही नहीं ना। आप फीस रिसिप्ट आपका राइट है, अथॉरिटी है, ये बच्चों के पास होनी चाहिए। अब हमारे जितने भी स्टूडेंट आए आप लोग खुद से फीस अपने सबमिट करेंगे, है ना, ये सबसे बड़ी चीज है। अब ये नहीं बोलता आप हमसे एडमिशन लो, अब जिस मर्जी से एडमिशन लो, बट चीजें क्लियर कट होनी चाहिए। हम लोग बेसिकली इन्फ्लुएंस होते हैं यूट्यूब से, है ना, कि 10,000 व्यू है, 15,000 व्यू है ना, ये मैडम बहुत सुंदर है, ये सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना, इनसे एडमिशन लेंगे, इनको बहुत ज्यादा पता है, जो बताते हैं वो फिर है ना, बट वो चीजें है नहीं ना। आप जिस मर्जी से एडमिशन लोन से बोलो कि मेरा बच्चे को हम इस कॉलेज में एडमिशन करवाना है, वो बोलेंगे जो मैंने तवेर मोर भेजे हैं, उनसे बोलो कि बच्चों के आप फिर रिसिप्ट दिखा दो, जो इनर कोर है आपको रिसिप्ट मिलनी नहीं है। अब एक बात, आप हमसे बोलो कि हमारे पास सारे बच्चों का रिकॉर्ड रहता है ना,
आपको रिसिप्ट मिलेंगी, आप रेफरेंस मांगो, रेफरेंस आप हमेशा जिस भी एरिया से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप हरियाणा से हो हरियाणा का रेफरेंस लो, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र का रेफरेंस लो, बिहार से बिहार का रेफरेंस लो, जब भी आपको पता लगेगा ना कि वो एक्चुअली वो अच्छा है भी या नहीं है, तो इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है। बच्चे का 6 साल है, 6 साल बच्चे के खराब नहीं होने चाहिए। बाकी कुछ है? कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया। हॉस्टल इनका एक हॉस्टल का भी इशू था, हाँ, है ना, रूम का वो सारा कल सॉल्व हो गया, तो सारी चीजों में खुश हो। हाँ, तो थम्स अप टू दी कंपनी। चलो, थैंक यू।